दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिए जाने के विवाद में फैसला सुनाते हुए विवादित जगह रामलला को देते हुए राम मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धनीपुर में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। इतना सब तो दोस्तों हो चुका है और ये सब कुछ हम जानते भी हैं, लेकिन इसके आगे क्या? दोस्तों, ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि पूरी दुनिया इस्लाम की विरोधी बनती जा रही है, क्योंकि 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जिस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया, ठीक उसी तरह दुनिया के कई देशों में मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट और शराब के ठेके का निर्माण करवाया जा रहा है। मुसलमानों के कुरान पढ़ने और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। मुस्लिम शरणार्थियों को यूरोपियन देश मना कर रही है। यूरोपियन देशों का कहना है कि शरणार्थी हमारे देश का इस्लामीकरण कर रहे हैं, और ये बात सत्य भी है। भूटान, जापान, इटली और स्वीडन जैसे अन्य कई देशों ने अपने यहाँ पर मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी है। भारत में भी मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं, ये तो हमें आपको पता ही है, जिसके आधार पर मस्जिदों को गिराकर उन पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो चुका है। अभी अभी आपने अयोध्या में ये काम होते हुए देखा है। आसान शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया आज के समय में इस्लाम की दुश्मन बनती जा रही है। पहले भूटान ने खुद को मस्जिद मुक्त बना लिया, जापान में भी धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम देश सूडान ने भी इस्लामी कानून को मुक्त करके खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। ईरान के लोग भी अपने यहाँ पर शरिया कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान की महिलाएं और बच्चों ने मस्जिदों का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तो प्रकृति भी इस बात का संकेत दे रही है कि बहुत ही जल्द इस्लाम का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हज के लिए पहुंचे 550 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आखिर क्यों हो रही हैं इतनी मौतें, जानेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हज के लिए मक्का पहुंचे 550 से अधिक तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। मरने वालों में से कम 323 मिस्र के थे। इनमें से दोस्तों अधिकांश की मौत गर्मी से होने वाली बीमारियों के कारण हुई। अरब के दो राजनयिकों ने न्यूज एजेंसी को इसकी जानकारी दी है। इनमें से एक ने कहा कि मिस्र के जितने भी तीर्थयात्रियों की मौत हुई है उनमें से अधिकांश ने भीषण गर्मी के कारण दम तोड़ दिया। हालांकि एक की मौत भगदड़ के दौरान घायल होने के कारण हुई। राजनयिकों ने कहा कि मरने वालों में से कम 60 जॉर्डन के नागरिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 577 हो गई। आपको बता दें कि इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। सभी मुसलमानों की ये इच्छा जरूर होती है कि जीवन में कम एक बार वो हज की यात्रा जरूर करें और मक्का जाएं। पिछले महीने प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हज यात्रा भी प्रभावित हो रही है। मुसलमानों के इस शहर का तापमान हर 10 साल में 0.4 डिग्री बढ़ता जा रहा है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि सोमवार को मक्का की गेट मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री यानी कि 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। सऊदी अरब के अधिकारियों ने गर्मी से परेशान होकर 2000 से अधिक तीर्थयात्रियों के उपचार की बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल विभिन्न देशों के कम 240 तीर्थयात्रियों के मरने की खबर सामने आई थी। सबसे अधिक इंडोनेशिया नागरिकों की जान गई थी। इन दिनों अक्सर मक्का के बाहर मीना में तीर्थयात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतल उड़ेलते हुए देखा जा रहा है। दोस्तों, तीर्थ यात्रियों की सेवा में जुटे स्वयंसेवक उन्हें ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक और तेजी से पिघलने वाली चॉकलेट आइसक्रीम दे रहे हैं। सऊदी अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों को छाते का उपयोग करने, खूब पानी पीने और दिन के सबसे गर्म घंटे के दौरान धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। सऊदी अधिकारियों के अनुसार इस साल लगभग 18 लाख तीर्थ यात्रियों ने हज में भाग लिया। इनमें से 16 लाख दूसरे देश से पहुंचे थे। हज मिशन की निगरानी करने वाले एक अधिकारी ने कहा कि अनियमित तीर्थ यात्रियों ने मिस्र के तीर्थ यात्रियों के शिविरों में बहुत अराजकता पैदा की है, जिससे वहां सेवाएं ठप हो गई।
तीर्थयात्री लंबे समय तक बिना भोजन, पानी और एयर कंडीशनिंग के रह रहे हैं। उनकी मौत गर्मी से इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कमेंट करके अपने विचार आप जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भारत, जय सनातन।